हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शिक्षा ही साधन है। वी आर अगेन गाना स्टार्ट फ्रॉम द चैप्टर चैप्टर 7। इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव डेटेड सर्टेन काइंड ऑफ डेवलपमेंट्स इन द फील्ड ऑफ राइटिंग्स क्रॉनिकल एंड हाउ द डायनेस्टी डेवलप्ड, हाउ द एडमिनिस्ट्रेशंस डेवलप्ड, हाउ डिफरेंट काइंड ऑफ रिलीजन्स केम इन टू एग्जिस्टेंस। These are the things that we talked about in the previous chapter. Now in this chapter we are going to talk about kings and the kingdoms, means raja aur unke rajya ke bare mein hum baat karenge. To 7vi shatabdi tak kai sare naye dynasty emerge hokar ke aa rahe the. Dynasty kehne ka matlab kya? Hierarchical society. Kehne ka matlab hai ki raja ka beta raja, uska beta fir raja, aise karke. To alag alag type ka dynasty 7vi shatabdi se aana chalu ho gaya tha. इस मैप में हमें दिखता है कि हमारे सब कॉन्टिनेंट में, जो भारतीय सब कॉन्टिनेंट है, वहाँ पे कैसे टाइप के अलग अलग एम्पायर्स थे या फिर डायनेस्टी थे। तो राष्ट्रकूता हो गया, कलिंगा हो गया, चांदेला हो गया, पालास हो गया, चोलास, चेरास, पांड्यास, ये सारे हैं जिनमें से कुछ के बारे में हमने पढ़ा है, जैसे चोलास, चेरास और पांड्यास के बारे में। तो ये सारे 7वीं शताब्दी के बाद ये सारे डायनेस्टीज इमर्ज होकर डेवलप होकर के आ रहे थे। नाउ द इमर्जेंस ऑफ द न्यू डायनेस्टी। 7वीं शताब्दी तक कई सारे बड़े जमींदार और वॉरियर चीफ्स थे अलग अलग जगह पे, ठीक है। तो जो भी वहाँ के ऐसे राजा रहते थे, जैसे आप मान लो, ध्यान से सोचो कि वी हैव 28 स्टेट्स। उस टाइम पे ऐसे स्टेट्स नहीं था, उस टाइम पे एम्पायर्स थे अलग अलग टाइप के, ठीक है। तो सारे जितने अलग अलग एम्पायर्स के राजा हुआ करते थे, उनके अंदर में काम करने वाले कुछ लोग होते थे, जैसे बड़े जमींदार हो गए, उन सबको बोला जाता था सामंतास, मतलब जो उनके अंडर काम कर रहे हैं। बिकॉज इफ यू हैव अ बिग एम्पायर, यू कैन नॉट कंट्रोल और रूल ओवर दैट सिंगल हैंडेडली, आपको अलग अलग सबऑर्डिनेट्स का जरूरत पड़ेगा। तो सामंताज इस्तेमाल होते थे, सामंताज वही बड़े लैंडलॉर्ड या फिर वॉरियर चीफ्स हो गए, वो सब सामंताज है, ठीक है। और उनसे एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो राजा के सामने ला करके ढेर सारा गिफ्ट प्रेजेंट करे बिना राजा के कर, ठीक है। चाहे वो कोर्ट में ला करके दे हीरा जवाहरात हो, या फिर उनको मिलिट्री सपोर्ट प्रोवाइड करे, ठीक है। जैसे कि पुष्यमित्र वन के टाइम पे हुआ था, जब उसने बृहद्रथ, जो कि मौर्य एम्पायर का एक राजा था, पुष्यमित्र एक बड़ा चीफटेन था, तो जब उसे उसे प्रॉब्लम हुई बृहद्रथ के राज्य से, तो पुष्यमित्र ने अलग से अपना एक रूल चालू किया, मतलब कि उसके आर्मी को छोड़ा और वो अपना एक नया साम्राज्य बना करके आया, ठीक है ना, जिसका एक साम्राज्य नहीं, छोटा राज्य बना करके उसमें रूल कर रहा था पुष्यमित्र। बाद में हालांकि उसने बृहद्रथ को मार करके पूरा एम्पायर, मगध एम्पायर अपने नाम कर लिया, पर जब तक था तब तक उसको सामंता कहते थे, ठीक है ना। एज सामंतास गेन पावर एंड वेल्थ, दे डिक्लेयर्ड देमसेल्व्स टू बी अ महासामंता और महामंडलेश्वरा। जब सामंता कुछ पावर और कुछ पैसा इकट्ठा कर लेते थे, तो वो अपने आप को महासामंत या फिर महामंडलेश्वर कहने लगते थे, ठीक है। इसका मतलब है कि उस रीजन का वो सबसे बड़ा आदमी है। समटाइम्स दे असर्टेड देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम देयर ओवरलॉर्ड्स, जैसे पुष्यमित्र ने किया। जब अगर मान लो कोई साम्राज्य का एक राजा है, मान लेते चंद्रगुप्त मौर्य, और उसके साम्राज्य में, साम्राज्य इज अ कॉन्स्टिलेशन ऑफ या फिर बोले कि अकुमुलेशन ऑफ मल्टीपल टाइप ऑफ किंगडम्स, जैसे कि मगध हो गया, जैसे कि वल्लभी हो गया, जैसे कि कलिंग हो गया, ये सब मिला करके एक साम्राज्य बनता है, उसका एक राजा बनता है। अब उसके अंडर में जो भी काम कर रहा है, जैसे अगर तीनों साम्राज्य राज्य को मिला करके एक साम्राज्य बनाया गया, वहाँ का एक मेन राजा है, ठीक है, महाराजा अधिराज चंद्रगुप्त मौर्य, तो वो अकेले बैठ करके तीनों राज्य में कंट्रोल नहीं कर सकता, इसलिए छोटे मोटे राज्य वो कंट्रोल करने देता है, ठीक है। तो वैसे ही सेम सिस्टम यहाँ पे भी हुआ है कि कुछ कुछ लोग जो होते हैं, कुछ कुछ जो जो लोग महामंडलेश्वरा या फिर महासामंत होते हैं, वो लोग कई बारी अपने जो मेन राजा है उसको ओवर पावर करके इंडिपेंडेंस गेन कर लेते हैं और वो खुद में ही साम्राज्य बना लेते हैं, ठीक है। एक इंस्टेंस है राष्ट्रकूता का, जो कि दक्कन में था, दक्कन माने साउथ में। क्या हुआ था कि चालुक्य किंगडम ऑलरेडी था वहाँ पे कर्नाटक में। तो बाद में क्या हुआ कि 8वीं शताब्दी के मध्य में क्या हुआ कि दंती दुर्ग नाम का एक राष्ट्रकूत का चीफ था, उसने चालुक्य को हरा करके और वहाँ पे राज्य बनाया अपना, राष्ट्रकूता किंगडम, जो कि अभी आपने देखा ऊपर मैप में, ठीक है। और उसके बाद एक रिचुअल परफॉर्म किया जिसका नाम था हिरण्यगर्भ, ठीक है, द गोल्डन वूम बोलते हैं इसका मतलब। इस रिचुअल को परफॉर्म करने के लिए बलि चढ़ाना पड़ता है, ठीक है, तभी जा करके इसको बोलते हैं आत्मा शुद्धि या फिर से पुनर्जन्म लेना बोलते हैं। इस जो रिचुअल है इसको पुनर्जन्म लेना बोलते हैं, ठीक है ना।
When its ritual was performed with the help of brahmanas, it was thought to lead to the rebirth of the sacrificer as a क्षत्रिय even if he is not one by birth. मतलब कि अपने आप को क्षत्रिय प्रूफ कराने के लिए आपको बलि देना होगा पहले, ठीक है ना. इवन इफ आई एम ए ब्राह्मण, अगर मैं दंती दुर्ग अगर ब्राह्मण है और अगर उसको राजा बनना है, तो राजा बनने के दौरान वो क्या करता है कि जब वो अपने रूलर को मार देता है, जीत जाता है उससे, तो उसके बाद फिर वो हिरण्यगर्भ नाम का एक रिचुअल परफॉर्म करता है जिसमें वो सैक्रिफाइस देता है किसी को ताकि उसका नया जन्म हो एज अ क्षत्रिय, ठीक है. अलग अलग केस में जो आदमी लोग जो रईस खानदान से होता है, रईस फैमिली से होता है, वो लोग अपना मिलिट्री स्किल इस्तेमाल करके राज्य अपनाता है. मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ क्षत्रिय के पास ही राज्य हो, ठीक है, ब्राह्मण के पास भी हो सकता है या फिर वैश्य के पास भी हो सकता है, डिपेंडेंट ऑन द पावर ही हैज, डिपेंडेंट ऑन द पावर ही एक्सेस. फॉर इंस्टांस कदम्ब मायू सरमन एंड द गुजरात पतियार हरिचंद्र, ये लोग ब्राह्मण थे जो कि अपना ट्रेडिशनल प्रोफेशन, मतलब ब्राह्मण का ट्रेडिशनल प्रोफेशन क्या है, या तो क्रॉनिकल लिखेंगे या फिर श्लोक पढ़ेंगे. वो अपना ट्रेडिशनल प्रोफेशन पंडिता ही छोड़ करके उन लोगों ने हथियार उठा लिए और एक नया किंगडम चालू किया कर्नाटक और राजस्थान में. कादम्ब मायू सरमन, मयूर सरमन, ये याद रखना यार, नाम इम्पोर्टेंट है. कदम्ब 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 मयूर सरमन और प्रतिहार हरिचंद्र, प्रतिहार रवि चंद्र. एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम, मेनी ऑफ दिस न्यू किंग्स अडॉप्टेड हाई साउंडिंग टाइटल सच एज द महाराजा धीराज. अब जो नया नया किंग स्टैब्लिश हो रहा था, तो होता है ना कि जब आदमी नया नया कुछ बनता है तो तूफान मारता है शरीर से, तो जो नया नया राजा बन रहा था वो लोग अपना नाम रख रहा था महाराजा अधिराज. महाराजा अधिराज का मतलब क्या है? द किंग्स ऑफ द किंग्स, राजाओं का राजा. त्रिभुवन चक्रवर्तीन मतलब तीनों लोकों का राजा, और भी बहुत सारा विक्रमादित्य और अलग अलग टाइप का अपना नाम देते थे खुद को खुश करने के लिए. हालांकि वो लोग जो है अपना पावर शेयर कर रहे होते थे सामंताज के बीच में. सामंताज कौन? जो अभी बताया, जो लोग छोटा राज्य को कंट्रोल करता है, वहाँ चलाता है, जो सबऑर्डिनेट ग्रुप्स है, वो लोग अपना पावर हालांकि वो लोग शेयर कर रहे होते हैं सामंताज के साथ और पीजेंट ट्रेडर्स और ब्राह्मण के साथ. इन ईच ऑफ दिस स्टेट्स रिसोर्सेज वेर ऑब्टेन फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स, ये सारे राज्यों में जो खनिज पदार्थ हैं वो ऑब्टेन किया जाता था किससे? पीजेंट से, कैटल कीपर से, आर्टिसंस थे, ठीक है, उन सब से. समटाइम्स दे वर क्लेम्ड एज रेंट ड्यू टू लॉर्ड हु असर्टेड दैट ही ओन्ड द लैंड. रेवेन्यू वाज आल्सो कलेक्टेड फ्रॉम ट्रेडर्स. कई बार तो ये कहा जाता था कि आपसे जो है रेंट लिया जा रहा है यहाँ पे रहने का, आप मेरे राज्य में रहते हो इसलिए आपसे रेंट लिया जा रहा है. सिंपल. द इंस्क्रिप्शंस ऑफ द चोलास हु रूल्ड इन तमिलनाडु रेफर टू मोर देन 400 टर्म्स इन द डिफरेंट. यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि कुछ इंस्क्रिप्शंस मिले थे चोला किंगडम के, तो उसमें 400 अलग अलग टाइप का टर्म्स था बस टैक्सेस कलेक्ट करने के लिए. टैक्स के नाम थे, जैसे एक टैक्स का नाम था वेट्टी, या फिर फोर्स लेबर करने में जो टैक्स लगता था उसको कदमाई बोलते थे, कदमाई या फिर लैंड रेवेन्यू बोलते थे. देवर ऑल्सो टैक्सेज ऑन थ्रैचिंग द हाउस, द यूज ऑफ अ लैडर टू क्लाइम पाम ट्रीज. देवर मल्टीपल टाइप ऑफ टैक्सेज फॉर यूजिंग द स्टेट ओन्ड प्रॉपर्टीज, ऑल दो देवर नॉट स्टेट ओन्ड. These resources were used to finance the king's establishment as well as for the construction of temples and forts. ये resources जो मिलते थे इनको राजाओं को, ये सब as a finance, as a economy काम करता था. जैसे पुराने chapter में हमने पढ़ा था कि monasteries develop करने के लिए या जो बड़े बड़े मंदिर है, sculptures है, ये सब develop करने के लिए बहुत heavy amount का पैसा चाहिए होता है. वो कहाँ से मिलता है? वो राजकोष से मिलता है. और राजकोष को कहाँ से मिलता है? peasant से, farmers से, traders से, ये सब चीज़ से, ठीक है. They were also used to fight wars, which were in turn expected to lead to the acquisition of wealth in the form of plunder and access to land as well as trade routes. उन लोग से जो है wars भी fight करवाया जाता था, ठीक है. मैंने कि कई बारी peasants, artisans और इन सब को भी सेना में भर्ती करके उनको fight करवाया जाता था, just so as to access some land या फिर money. ये obvious सब बात है कि पहले तो सेना में भर्ती किया जाता है कुछ लोगों को, ठीक है ना. और समटाइम्स सेना जो है फाइट करने के लिए, समटाइम्स पीजेंट्स, आर्टिशंस और एग्रीकल्चरल वाले लोग, उनको भी भर्ती किया जाता था ताकि आप लोग जा करके लैंड को इकट्ठा कर पाओ, दूसरे किंगडम में जा करके लैंड इकट्ठा करो, पैसा इकट्ठा करो, ये सब काम करने के लिए.
The functionaries for collecting revenue were generally recruited from influential families, and positions were often hereditary. This was true about the army as well. In many cases, close relatives of the kings held these positions. तो वो जो पैसा कलेक्ट करने का, जो रेवेन्यू कलेक्ट करने का काम होता था, उसके लिए किसी एक पर्टिकुलर आदमी को रिक्रूट किया जाता था। वो कौन सा आदमी होता था? वही जिसका ताकत ज्यादा होता है। जैसे मान लो, जैसे हम लोग पुराने चैप्टर्स में पढ़े हैं कि विलेज में कोई, अगर विलेज मैन है जिसके पास, कोई लॉर्ड है जिसके पास सारा का सारा जमीन है, तो उसको ही काम थमाया जाता था कि तुम जाकर के सारा रेवेन्यू कलेक्ट करके लेकर के। और ये पोजीशन हेरिडेटरी होता है। ये ऑब्वियस सा बात है कि अगर आज मेरे पास 20 कट्ठा जमीन है तो कल भी रहेगा, परसों भी रहेगा। तो उसके बच्चे के पास, जो लैंड ओनर्स का बच्चा है, वो हेरिडेटरी के थ्रू वो नया रेवेन्यू कलेक्टर बन जाता था। ये जो है आर्मी में भी ट्रू था कि आर्मी में भी बड़े बड़े स्थान जो है हेरिडेटरी बेसिस पे मिलता था। प्रशस्तीज एंड लैंड ग्रांट्स। प्रशस्तीज क्या है? तो प्रशस्तीज एक टाइप का बुक कह सकते हैं, एक आर्ट है जिसमें कि जो ब्राह्मण्स होते हैं वो लोग कोर्ट में आकर के राजाओं का कहानी सुनते हैं और उसको लिखते हैं प्रशस्ति में। ठीक है, वो राजा बताते हैं कि उन्होंने कितने महान काम किए हैं, ये वो फलाना ढिमका। ठीक है, और द अचीवमेंट्स ऑफ द नाग भट्ट। मेनी रूलर्स डिस्क्राइब देयर अचीवमेंट्स इन द प्रशस्ति। वन प्रशस्ति रिटन इन संस्कृत एंड फाउंड इन ग्वालियर। इसमें नाग भट्ट कोई रूलर था, उसका वेलर के बारे में बताया गया कि उसने क्या क्या किया है, उसको जानने का जरूरत नहीं है। हालांकि तो प्रशस्ति लिखने के लिए और भी कई सारे रिचुअल्स करवाने के लिए ब्राह्मणों को दान में जमीन दिया जाता था, जो कि कॉपर प्लेट्स में लिख करके दिया जाता था। जैसे आज के टाइम पे पेपर है, और क्या बोलते हैं उसको, क्या कौन सा पेपर है, वैक्स पेपर, उसके ऊपर लिख करके देते हैं। पर उस टाइम पे कॉपर प्लेट्स हुआ करते थे। जैसा इस फोटो में, ये है कॉपर प्लेट। इस कॉपर प्लेट में लिख करके देते थे कि इतना से इतना जो नदिया किनारे पाम का वृक्ष के नीचे जो जमीन हुआ है वो तुम्हारा हो गया। ठीक है, ऐसे करके मिलता था। वॉट वॉज गिवन विद द लैंड। लैंड के साथ साथ क्या मिलता था, इसको जानने की जरूरत नहीं है। लैंड के साथ साथ क्या मिलेगा? लैंड के साथ साथ पेड़ वगैरह, वेल्स वगैरह, कैनल्स, डिचेस, बी हाइव, सी फिश पॉन्ड्स, जो भी चीज़ राजा के हक में वो उसको मिल जाता था। ठीक है, 12वीं सेंचुरी से थोड़ा सा अलग कुछ कश्मीर के राजाओं का कहानी है, जिसमें ऑथर है कल्हाना। कल्हाना नाम का ऑथर है। वो अलग अलग टाइप का सोर्स इस्तेमाल किया है, जैसे कि इंस्क्रिप्शन डॉक्यूमेंट्स, आई विटनेस अकाउंट्स, ताकि वो उसका अकाउंट लिख सके, उसके बारे में लिख सकते, जो कश्मीर का राजा है उसके बारे में लिख सके। ठीक है, और उसने जो है, कल्हाना ने सिर्फ अच्छी बातें नहीं कही हैं, बहुत क्रिटिकल थॉट के साथ उसकी बुराइयां भी करी हैं। वॉरफेयर फॉर वेल्थ। यू मे हैव नोटिस दैट ईच ऑफ दिस रूलिंग डायनेस्टीज वॉज बेस्ड ऑन अ स्पेसिफिक रीजन। आपने नोटिस किया होगा कि जितना भी रूलिंग डायनेस्टी है वो सब कोई ना कोई स्पेसिफिक रीजन के हैं। ठीक है, जैसे कि हरियाणा डायनेस्टी वो मगध का है, या चंद्रगुप्त मौर्य का डायनेस्टी, मौर्य एम्पायर जो है वो मगध का है। तो ऐसे करके हर लोग जो है, हर डायनेस्टी वो किसी ना किसी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक रीजन पे राज करता है। ठीक है, और एट द सेम टाइम वो चाहता है कि वो बाकी सारे एरियाज पे भी कंट्रोल करे। वन पर्टिकुलरली प्राइज एरिया वॉज द सिटी ऑफ कनौज इन द गंगा वैली। एक बहुत ही महत्वपूर्ण एरिया है कनौज का। 100 सालों से रूलर जो है, अलग अलग लोग आकर के उस पर वॉर करते हैं और जीतने की कोशिश करते हैं। कौन कौन से है वो तीन रूलर? ये गुर्जर, प्रतिहार, याद करना यार, ये सवाल आएगा आगे में। गुर्जर, प्रतिहार, और है राष्ट्रकूता और पाला। गुर्जर 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 गुर्जर, राष्ट्रकूट और पाला। ठीक है, पाला तो याद रहेगा, राष्ट्रकूट भी याद रहेगा। तो इन तीन पार्टीज के बीच में बहुत लॉन्ग ड्रॉन कॉन्फ्लिक्ट है, ताकि वह किसी तरह से कन्नौज जीत जाए। और हिस्टोरियंस उनको ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल भी बोलते हैं, ये भी याद रखना कि तीन कौन से थे और क्या नाम था, ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल। रूलर्स ऑल्सो ट्राई टू डेमोन्स्ट्रेट देयर पावर एंड रिसोर्सेज बाय बिल्डिंग लार्ज टेम्पल्स। तो कई राजा जो है वो अपने ताकत दिखाने के लिए, अपने रिसोर्सेज दिखाने के लिए बड़े बड़े मंदिर बनवाते थे, ताकि वो लोग जब एक दूसरे के किंगडम को अटैक करें तो वो लोग टारगेट्स चूज कर सके ऐसे। ठीक है, दे ऑफन चूज टू टारगेट टेम्पल्स विच वर समटाइम्स एक्सट्रीमली रिच। वो लोग टारगेट करते थे टेम्पल्स को, जो ज़्यादा रईसी का पहचान है। वैसा ही एक रूलर था महमूद अब गजनी, जो कि अफगानिस्तान का था। उसने भारत में आकर के 17 बारी, ठीक है, रिलीजियस मोटिव्स के साथ
उसने बड़े बड़े टेम्पल्स जैसे कि सोमनाथ हो गया गुजरात का, उन सब पे धाबा बोला, उनको तोड़ा। ठीक है, वो लोग ने ये सब इसलिए किया ताकि वो लोग गजनी का कैपिटल बना सके, गजनी पे कैपिटल सिटी बना सके। तो वो लोग महमूद, और अब गजनी के बारे में याद रखना, गाली देने के काम आएगा, गाली सुनने लायक है ये लोग। तो ये लोग भारत आए थे, महमूद अब गजनी अफगानिस्तान से भारत आए थे बस इसलिए ताकि यहाँ का मंदिर से सोना वगैरह सामान वगैरह चुरा करके, 17 बारी आया था, हाँ 17 बारी आया था पूतनी का, हम लोग यहाँ से सामान लेकर के उठा करके चला गया अपना कैपिटल बनाने के लिए। तुम्हारे पास हिम्मत है तो जा करके खुदवाओ, माइंस करो। अदर किंग्स एंगेज्ड इन वॉरफेयर इंक्लूडेड द चाहमनास, दूसरा जो किंग है वो एक चाहमनास करके, एक सेकेंड, चाहमनास लेटर नोन एज द चौहान्स राजपूत, रूल्ड ओवर रीजन अराउंड दिल्ली एंड अजमेर, जिन्होंने दिल्ली और अजमेर, ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल का नाम बताना था, तीन कौन सा था, जल्दी 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 जल्दी, एक था गुर्जर प्रतिहार, दूसरा राष्ट्रकूट था, तीसरा पाला। ठीक है, दे अटेम्प्टेड टू एक्सपेंड देयर कंट्रोल टू द वेस्ट एंड द ईस्ट वेयर दे वेयर अपोज्ड बाय द चालुक्यास ऑफ गुजरात एंड द गहादवलास ऑफ वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। तो ये जो है चाहमनास या फिर चौहान, जो कि दिल्ली और अजमेर का रूजन को रूल करते थे, वो लोग चाहता था कि वो लोग चाहता था कि वेस्ट और ईस्ट में भी वो लोग का पहचान हो, लेकिन हमेशा चालुक्य, गुजरात का चालुक्य और गहादवलास ऑफ वेस्ट उत्तर प्रदेश हमेशा उसको अपोज करने आ जाता था। ठीक है, चाहमन का एक तो रूलर था पृथ्वीराज थ्री 1168 से 1192 के बीच में, जिसने अफगान रूलर मोहम्मद गोरी को 1191 में हराया था, बट लॉस्ट टू हिम, और अगले साल फिर से हार गया था 1192 में। ये याद रखना, पृथ्वीराज थ्री जो है कब आया था, 1191 में मोहम्मद गोरी को हराया था और अगले साल 1192 में हार भी गया था। अ क्लोजर लुक द चोलाज, फ्रॉम उरईयूर टू थंजावुर, हाउ डिड द चोलाज राइज टू पावर, अ माइनर चीफली फैमिली नोन एज द मुत्तारैयर हेल्ड पावर इन द कावेरी डेल्टा एंड दे आर सबॉर्डिनेट टू द पल्लवा किंग्स ऑफ कांचीपुरम। ये लोग लगता है सबॉर्डिनेट वाला है। तो पल्लव किंग्स का जो कि कांचीपुरम में था उसके अंदर था ये लोग, चीफली फैमिली जिसका नाम था मुत्तारैयर। ठीक है, हु बिलोंग टू द एंशियंट चीफली फैमिली ऑफ द चोलास फ्रॉम उरईयूर। तो विजयालया का कोई आदमी का नाम है, वो बिलोंग टू द एंशियंट चीफली फैमिली ऑफ द चोलास फ्रॉम उरईयूर, कैप्चर्ड द डेटा फ्रॉम द मुत्तारैयर इन द मिडल ऑफ द 9th सेंचुरी, ही बिल्ड द टाउन ऑफ थंजावुर एंड अ टेम्पल फॉर गॉडेस निशुम भसुदेनी देयर। तो क्या हुआ कि चोलास पक्का पावर कैसे बढ़ा, तो वहाँ पे एक बहुत ही माइनर फैमिली था मुत्तारैयर लोग का। ठीक है, जहाँ जो जिनका ताकत था कावेरी डेल्टा पे, चलो मान लेते एक फिगर बनाते, ठीक है ना, ये है कावेरी डेल्टा। ठीक है, यहाँ पे मुत्तारैयर लोग रहता है, मुत्तारैयर इनका काफ़ी अच्छा पकड़ है इस जगह पे। ठीक है, और पल्लव किंग जो है, ठीक है, और देवर सबोर्डिनेट टू द, ये लोग जो है पल्लव किंग्स के अंदर में आते थे, पल्लव किंग्स के अंदर में, पल्लव के जो राजा थे उन लोग के अंदर में आते थे। ठीक है, तो जो विजयालय है जो कि चोला किंगडम को बिलोंग करता था, मतलब चोला फैमिली को बिलोंग करता था, जो कि तो, और वो जो है उरईयूर में था, उरईयूर, तो ये क्या किया, ये मुत्तारैयर में आकर के ये लोग को हरा करके ये लोग का एरिया भी कैप्चर कर लिया। ठीक है, और वहाँ पे एक नया टाउन बनाया थंजावुर करके, और वहाँ पे थंजावुर नाम का जगह बनाया, मुत्तारैयर लोग को हटाया वहाँ से कावेरी डेल्टा से, पूरा का पूरा चोला को एक्सपेंड किया वहाँ पे, और वहाँ पे देवी का मंदिर बनाया जिन देवी का नाम था निशुम्भ सुदिनी, निशुम्भ कुंभ निशुम्भ। ये देखो यहाँ से एक बारी, ठीक है ना, एक बारी यहाँ से कोशिश करते हैं। कांचीपुरम यहाँ पे था चोला लोग, ठीक है, और कावेरी डेल्टा कहीं दिख रहा है क्या, ये है कावेरी डेल्टा, इस जगह पे था ये मुत्तारैयर का घर, मतलब मुत्तारैयर फैमिली का कंट्रोल, सबॉर्डिनेट था ये लोग चोला के अंदर। ठीक है, तो क्या हुआ कि उरईयूर में यहाँ पे था चोला का चीफटेन का लड़का, तब तो ये लोग ये क्या किया, ये लोग पे किया धावा बोला और ये लोग किया हरा, और यही लोग का संपत्ति इस्तेमाल करके यहाँ पे इसने मूर्ति बनाया। ठीक है, निशुम्भ सुदिनी,
उन माता का, तो उरावीर को थंजावुर में कन्वर्ट किया। द सक्सेसर्स ऑफ विजयालय कंकर्ड नेबरिंग रीजन्स एंड द किंगडम्स ग्रू इन साइज एंड पावर। तो जो विजयालय का बच्चा लोग था, वो लोग आ करके अलग अलग रीजन्स को कैप्चर किया, और जो राज्य है वो साइज में भी और ताकत में भी बढ़ गया। द पांडियन एंड द पल्लवा टेरिटरीज टू द साउथ एंड नॉर्थ वेयर मेड पार्ट ऑफ दिस किंगडम। तो चोला के ही अंदर में बाद में पल्लव और पांड्या भी घुस गया। क्यों? क्योंकि चोला का ताकत बढ़ गया। राजा राजा वन जो है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल चोला रूलर माने जाते हैं, जो कि किंग बने कब, 985 में, एंड एक्सपेंडेड कंट्रोल ओवर मोस्ट ऑफ दिस एरियाज। ये टाइमलाइन याद रखना यार, 985 में, ठीक है। पुराना रूलर कौन सा था यार? पृथ्वीराज 3। पृथ्वीराज थ्री के बारे में पढ़े, कब का है ये और कहाँ का? ये चामना का रूलर है, मतलब कि चौहान, वो राजस्थान वाला रूलर है, ठीक है। 1168 से 1192, 1191 में मोहम्मद गोरी से लड़ाई किया, जीत गया, अगले साल हार गया। ही ऑल्सो रिकोगनाइज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर। राजा राजा सन राजेंद्र वन कंटिन्यूड हिज पॉलिसीज एंड इवन इन्वेडेड द गंगा वैली, श्रीलंका एंड कंट्रीज। राजा राजा वन की वजह से बहुत सारा ही ट्रेड और नेवी के बारे में भारत बहुत कुछ सीखा, ठीक है। तो चोला का इसमें बहुत बड़ा हाथ है, चोला जो है पूरा का पूरा कंट्रोल कर लिया था। ये दिख रहा है ना चोला, यहीं पे था चेराज और पांड्याज, यहाँ पे जो दिख रहा है ये है पांड्याज, यहाँ है चेराज, ये सब रीजन को कंट्रोल करके चोला जो है वो नीचे का बन गया था राजा। स्प्लेंडेड टेम्पल्स एंड ब्रोंज स्कल्पचर, भाई साहब बात ही नहीं करना यार, कितना गर्दा टेम्पल्स बनाया ना चोला किंगडम। द बिग टेम्पल्स ऑफ थंजावुर एंड गंगाईकोंडा चोलापुरम बिल्ड बाय राजा राजा एंड राजेंद्र आर्किटेक्चरल एंड स्कल्पचरल मार्वल्स। मतलब इतना खूबसूरत है, ये देख रहे हो, कैसे बना सकता है यार, ये पत्थर को कार्व करके बनाया है, और वो भी उस टाइम पे जब कोई क्रेन वगैरह नहीं है, जेसीबी नहीं है, फिर भी इतना खूबसूरत। जीसस क्राइस्ट। चोला टेम्पल ऑफन बिकम द न्यूक्लाई ऑफ सेटलमेंट्स विच ग्रू अराउंड देम, देयर वर सेंटर्स ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन। चोला एम्पायर में क्या नहीं था, ठीक है। हालांकि चोला टेम्पल के अराउंड बहुत सारे सेटलमेंट्स हुआ, और बहुत तो क्राफ्ट प्रोडक्शन भी किए। टेम्पल जो है उसको जमीन दिया गया, उसका जमीन बढ़ाया गया अलग अलग रूलर्स के द्वारा, और उस लैंड को मेंटेन करने के लिए बारी बारी अलग अलग स्पेशलिस्ट लोग को अपॉइंट किया जाता था। जो लोग जैसे कि प्रीस्ट हो गए, या फिर गार्लैंड मेकर हो गए, कुक्स, जैसे आज के मंदिर के आसपास लोग रहते थे। इट्स ए काइंड ऑफ अ सेटलमेंट। जब हम लोग मंदिर बनाते हैं तो सिर्फ ये सोच करके नहीं बनाते कि भगवान का पूजा होना है, बल्कि ये सोच करके भी बनाते हैं कि वो एज ए टूरिस्ट साइट डेवलप होगा, लोग आएंगे वहाँ पे पूजा करने के लिए, वो एक इकोनॉमी डेवलप करने का एक तरीका है, ठीक है। नॉट अ प्रोपेगेंडा, इट्स जस्ट अ वे टू बूस्ट द इकोनॉमी थ्रू टेम्पल्स, सो दैट द स्वीपर्स, कुक्स, म्यूजिशियंस, डांसर्स, गार्लैंड मेकर्स एंड द प्रीस्ट गेट अ जॉब, ठीक है। दे वर द सेंटर्स ऑफ द इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड कल्चरल लाइफ। ऑब्वियस सा बात है, इकोनॉमिक तो समझ में आ गया, सामाजिक कैसे? क्योंकि समाज में सारे लोग भगवान को पूज रहे हैं, तो यू कैन नॉट कट आउट ऑफ योर सेल्फ। एंड कल्चरल लाइफ, ऑब्वियसली द कल्चर हैज टू बी देयर। अमॉन्ग द क्राफ्ट एसोसिएटेड विद टेम्पल, द मेकिंग ऑफ ब्रॉन्ज इमेजेस वर द मोस्ट डिस्टिंक्टिव। ये जो है क्लियर, चोलास ब्रॉन्ज इमेजेस वॉज कंसिडर्ड अमंग द फाइनेस्ट इन द वर्ल्ड, वाइल मोस्ट इमेजेस वेर ऑफ द डाइटीज, समटाइम्स इमेजेस वेर मेड ऑफ डिवोटीज एज वेल। तो चोला का जो है ब्रॉन्ज इमेज वो बहुत फेमस था, जैसे कि ये एक स्कल्पचर है, ये ब्रॉन्ज का स्कल्पचर है, कितना खूबसूरत है, आप ध्यान से देखना यार, कजा भर कसम से। एग्रीकल्चर एंड इरीगेशन, मेनी ऑफ द अचीवमेंट्स ऑफ द चोलास वेर मेड पॉसिबल थ्रू न्यू डेवलपमेंट्स इन एग्रीकल्चर। खेती बहुत बड़ा रोल निभाती है किसी भी इकोनॉमी को बूस्ट करने में, क्योंकि खाना नहीं तो जीना नहीं। द रिवर कावेरी ब्रांचेस ऑफ इनटू सेवरल स्मॉल चैनल्स आफ्टर, अभी तो कावेरी का डिस्प्यूट चल रहा है तमिलनाडु में और केरला में, ठीक है, जो कि आज का मॉडर्न डे चोला एम्पायर का किंगडम है, जहाँ पे थंजावुर है। दिस चैनल्स ओवरफ्लो फ्रिक्वेंटली डिपॉजिटिंग फर्टाइल सॉइल ऑन द बैंक्स, क्योंकि कावेरी वहाँ पे फ्लो कर रहा है, जिसको बोलते हैं साउथ का गंगा। दैट हैज हेल्प्ड अ लॉट टू द तमिलनाडु, और टू बी प्रिसाइजली वी से इट्स द थंजावुर रीजन विच वॉज वेरी मच डिपॉजिटेड विथ फर्टाइल सॉयल, एंड देर वॉज इनॉर्मस एंड अवेलेबल वाटर टू इरीगेट द लैंड वेरी वेल, एंड सो एज द कल्टिवेशन वुड बी वेरी गुड। द वाटर फ्रॉम द चैनल ऑल्सो प्रोवाइड द नेसेसरी मॉइस्चर फॉर, सो ऑल दो एग्रीकल्चर हैड डेवलप्ड अर्लियर इन अदर पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु, इट वॉज ओनली फ्रॉम द फिफ्थ ऑफ और सिक्स सेंचुरीज दैट दिस एरिया वेर ओपन अप फॉर लार्ज स्केल कल्टिवेशन। फॉरेस्ट हैड टू बी क्लियर इन सम रीजन्स, लैंड हैड टू बी लेवल्ड, मतलब जो एग्रीकल्चर का प्रोसेस है उसी के बारे में बात किया जा रहा है, कि वहाँ पे एग्रीकल्चर लार्ज बहुत पहले से भी था, पर लार्ज स्केल में डेवलप करने के लिए उसने बहुत कुछ किया, जैसे कटाई छटाई करके नया जगह बनाया और लैंड दिया करने के लिए, ठीक है।
variety of methods were used for irrigation. In some areas, wells are dug, and planning, organization, multiple things were there to encounter with the drawbacks or the difficulties. But yeah, that's how the thing helped or developed, because agriculture played an important role for the development of the Chola Empire, the administration of the empire. How was the administration organized? अब एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जानते हैं थोड़ा सा, जैसे कि पब्लिक सर्विस है. सेटलमेंट्स ऑफ पीजेंट्स नोन एज द उर बिकेम प्रॉस्परस विद द स्प्रेड ऑफ इरीगेशन एग्रीकल्चर. क्योंकि एग्रीकल्चर की वजह से वहाँ पे इरीगेशन भी है, तो पीजेंट्स का सेटलमेंट बहुत ही कॉमन हो गया. और उसको क्या बोलते हैं, पीजेंट्स को उर भी बोलते हैं तमिलनाडु में, बहुत ज़्यादा हो गया. ग्रुप ऑफ सच विलेजेस फॉर्म्ड लार्जर यूनिट्स कॉल्ड नाडु, जैसे हम लोग तमिलनाडु आज नाम दिए. छोटा छोटा विलेजेस को मिला करके जब एक बड़ा यूनिट बनता है तो उसको नाडू बोलते हैं. ठीक है, तो विलेज काउंसिल और जो नाडू है वो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन निभाया, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन, न्याय दिलाने के लिए और टैक्स लेने के लिए. ठीक है, रिच पीजेंट्स जो है ऑल्दो जो रहीस पीजेंट्स होते थे वो लोग थोड़ा कंट्रोल करते थे सब चीज़ में, नाडू का सुपरविजन में या फिर सेंट्रल चोला गवर्नमेंट पे, बिकॉज वो डिस्ट्रीब्यूटरी सिस्टम है ना. You first go to Sarpanch and then go to the courts, district court and high court and supreme court, because it's a long process. तो जो जो बोलते हैं ना lower level पे power exercise करना थोड़ा सा easy हो जाता है. The Chola king gave such land owners, जो वहाँ पर बड़े बड़े रहीस land owners होते थे उनको title मिलता था Muvendavelan. It's a tough thing to pronunciate this, ना, Muvendavelan. तो कोई भी अगर तमिलनाडु से तो मेरे लिए प्रोनाउंस करके ज़रूर बताते ना, और माफ़ करना कि मेरे को प्रोनाउंसिएशन नहीं आता. फिर आरआईआर जो चीफ होता है उसको बोलता है एज मार्केट्स ऑफ रिस्पेक्ट एंड इंटरेस्टेड देम विद इंपॉर्टेंट ऑफिसेस फॉर द स्टेट ऑफ द सेंटर. मतलब ये सब इस्तेमाल किया गया फॉर डेवलपमेंट और वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए. वी हैव सीन दैट द ब्राह्मण्स हैव ऑफन रिसीव्ड लैंड ग्रांट्स और ब्रह्मदेय. एज अ रिजल्ट लार्ज नंबर ऑफ ब्राह्मण सेटलमेंट्स इमर्ज इन द कावेरी वैली इन द साउथ इंडिया. में हम लोग बहुत बहुत डीप रूटेड साउथ इंडियन ब्राह्मणिज्म देखते हैं. वो इसलिए क्योंकि साउथ इंडिया में ब्राह्मण को बहुत ज़्यादा लैंड दिया जाता था, लैंड का ग्रांट दिया जाता था बाय द किंग्स. इसलिए वहाँ पे ब्राह्मण आकर के बसते थे. इज ब्रह्मदेय, और जो दान दिया जाता था उसको ब्रह्मदेय बोलते थे. ठीक है, तो जो सभा में ना जो ब्राह्मण लैंड होल्डर्स होते थे वो लोग इस बात पर चर्चा करते थे. ये लोग बहुत ही एफिशिएंट काम करते थे, और डिसीजन जो है जो भी डिसीजन लिया जाता था वो लोग इंस्क्रिप्शन पर लिखते थे, या फिर टेंपल का जो स्टोन्स होता था वहाँ पे लिखते थे. जो ट्रेडर्स का ऑर्गेनाइजेशन था उसको बोलते थे नगरम्स, आज का नगर का नगरम्स. ऑल्सो ऑकेजनली परफॉर्म, ये लोग भी बहुत हद तक परफॉर्म करता था इंपॉर्टेंट पार्ट एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन में. इंस्क्रिप्शंस फ्रॉम उत्तर मेरूर इन चिंगलपट डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु प्रोवाइड डिटेल्स इन द वे इन विच द सभा वॉज ऑर्गेनाइज. तो कुछ इंस्क्रिप्शन से जो बताता है कि उस टाइम पे सभा कैसा होता था. ठीक है, पाम लीफ पे लिखा जाता था, और टिकट्स जो है वो अर्थनवेयर पॉट पे रखा जाता था. फ्रॉम विच ए यंग बॉय वाज आस्क्ड टू लीव आउट द टिकट्स वन बाय वन फॉर. ठीक है, तो इरिगेशन का काम करने के लिए, इरिगेशन के लिए सभा बनाया जाता था. उसमें जो है क्या बोलते हैं, एक पॉट होता था उसमें टिकट बनाया जाता था पाम लीफ का. तो जो लोग वो टिकट पहले मिलता था, ठीक है, छोटे छोटे बच्चों को बोलता था जाओ टिकट निकाल करके आओ, तो जिसको पहले टिकट मिलता था उसको फ़ायदा होता था, उसको लाभ होता था. ठीक है, सर्टेन थिंग्स अबाउट दैट यहाँ थोड़ा सा कर लेते हैं. गुर्जर प्रतिहर्ष किस लिए ना जाना जाता है, कहाँ पे था ये लोग, यहाँ पे राष्ट्रकूटाज कहाँ पे था, महाराष्ट्र में. महाराष्ट्र है क्या, वेस्टर्न डक्कन कह सकते हैं, सॉरी वेस्टर्न डक्कन, चोलास और पालास. चोलास तो ऑब्वियस है, चोलास तमिलनाडु में थे और पालास बंगाल में. ठीक है, पार्टीज इन्वॉल्व जैसे बोला था ना, त्रिपार्टाइट स्ट्रगल के बारे में पढ़ेगा. ये गुर्जर प्रतिहार्स थे, चोलास थे और पांड्यास थे. और व्हाट आर द क्वालिफिकेशन नेसेसरी टू बिकम अ मेंबर ऑफ द कमेटी ऑफ द सभा इन द चोला एम्पायर. या तो हेरिडिटरी तुमको मिल गया या ब्राह्मण है, ऐसा कुछ था. व्हाट वर द टू मेजर सिटीज अंडर द कंट्रोल ऑफ द चाहमानास. चाहमानास चौहान लोग थे, वो दिल्ली और अजमेर का रीजन वो लोग कंट्रोल करके रखे हुए थे. वो जो कि बताया ना पृथ्वीराज थ्री, उसको उसने मोहम्मद गोरी को हराया था 1191 में, और 1192 में मोहम्मद गोरी ने उसको हरा दिया था. चैप्टर यहीं समाप्त होता है. कोई सभी डाउट हो कमेंट ज़रूर करना, कुछ भी बात पसंद ना आए वो भी बता देना, मैं कोशिश करूँगा कि अगली बार से रिपीट ना हो. तब तक के लिए राम राम भाई सारे ना.